ईद उल फितर पर कितनी छुट्टियां होने का अम्कान पाकिस्तानियों की मौजें लग जाएंगी। पाकिस्तान में इस साल ईद उल फितर की छुट्टियां 6 दिन होने का अम्कान है। महकमा मौसमियात ने रमजान अल मुबारक 29 दिन होने की पेशगोई कर रखी है। अगर पेशगोई सच साबित होती है फिर ईद उल फितर 10 अप्रैल ब्रोज बुध को होगी। ताहम चांद की रवियत का हतमी ऐलान रवियत हिलाल कमेटी करेगी। पाकिस्तान में ईद से एक रोज कबल तातीलात का आगाज होता है। इस तरह 9 अप्रैल ब्रोज मंगल को पहली छुट्टी मिलने का अम्कान है। मुमकिन तौर पर 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक 4 दिन की छुट्टियां मिल सकती हैं। मंगल से जमा तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। उसके बाद हफ्ता और इतवार की सरकारी छुट्टी होती है जिससे छुट्टियों की तादाद 6 हो जाएगी। छुट्टियों के बारे में हतमी ऐलान हुकूमत की जानिब से क्या जाएगा? अक्सर सरकारी मुलाजमीन 6 अप्रैल बरोज हफ्ता से ही छुट्टियों पर चले जाएंगे। इस तरह ज्यादातर मुलाजमीन 9 छुट्टियों से लुत्फानंदोज होंगे क्योंकि 6 अप्रैल को हफ्ते के दिन सरकारी छुट्टी होती है। सिर्फ 1 या 2 दिन की रुख्सत लेने से मुलाजमीन 9 दिन की छुट्टियों से मुस्तफीद हो सकेंगे।